नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यूजी के टाइम में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान में पुष्प फल एवं पादप पोषण के बारे में देखेंगे। अगर आप जीव विज्ञान या साइंस के फुल लेक्चर लेना चाहते हैं तथा हिंदी के भी फुल लेक्चर लेना चाहते हैं तो आप इन नंबरों में संपर्क करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। पहला नंबर है 7898626868 में, ठीक है। और दूसरा नंबर है 7000109851। दोस्तों पहला नंबर है 7898626868 जबकि दूसरा नंबर है 7000109851, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पुष्प फल एवं पादप पोषण के बारे में। तो सबसे पहले हम पुष्प के बारे में देखेंगे। तो पुष्प होता क्या है? पौधों में पुष्प एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह पुष्प जो है जनन क्रिया के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए उत्पन्न होते हैं और पुष्पों को प्रजनन रचनाएं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। जो पुष्प होते हैं क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। पुष्प के द्वारा ही फल एवं बीज का क्या होता है? निर्माण होता है। पुष्प के मुख्यतः चार भाग होते हैं, आप देख रहे हैं। पहला है बाह्य तलपुंज जिसे कैलिक्स बोलते हैं, दूसरा है दलपुंज जिसे आप कोरोला बोलते हैं, तीसरा है पुमंग जिसे एंड्रोसियम, और चौथा है जायांग जिसे हम जिनोसियम बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं पुष्प में, इसमें देख सकते हैं कि जो आपका बाह्य दलपुंज है वो सबसे बाहरी भाग होता है, ठीक, जिसे हम बाह्य दल भी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं बाह्य दलपुंज है, और जो दलपुंज है इसके अंदर का जो दलपुंज है, ये जो आप पिंक कलर में देख रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? दलपुंज, यानी पेटल भी बोलते हैं, ठीक है, कोरोला कहते हैं। और तीसरा है आपका जो पुमंग है सॉरी, ये आपके पुमंग कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें हम पुंग केसर देखते हैं, ठीक है। और चौथा है जायांग जिन्हें जिसे मादा ऑर्गेनिक्स भी कहते हैं, ये आपका जायांग लास्ट में दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में देखते हैं और इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाह्य दलपुंज, यानी कैलिक्स में देखेंगे। जो बाह्य दलपुंज होता है ये पुष्प के सबसे बाहर का भाग होता है और ये हरे छोटी पत्तीनुमा संरचनाओं का बना होता है, ठीक है। पहले दिखा दिया था आपको कि जो सबसे बाहरी भाग होता है पुष्प का हरे रंग का दिखाई देता है, क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज बोलते हैं। और दूसरा है दलपुंज। जो दलपुंज होता है यह बाह्य दलपुंज के अंदर स्थित होता है और ये कितने दलों में होता है? 2 से 6 पीटल्स में होता है। मैंने दिखाया था कि आप पिंक कलर में देख रहे थे, ये जो हैं ये आप क्या हैं? दलपुंज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम जो तीसरा है पुमंग में देखेंगे। पुमंग जो होता है यह पुष्प का क्या है? तीसरा भाग है जो नर अंगों का बना होता है। प्रत्येक नर अंग पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। और पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, ठीक है। पहला होता है फिलामेंट, दूसरा है एंथर और तीसरा है कनेक्टिव, ठीक है, जिन्हें हम योजी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये नर युग्मक होते हैं। यही जो मादा के अंडाणु या जायांग से क्रिया करके क्या करते हैं? जायगोट या नए पुष्प का निर्माण करते हैं, ठीक है। चौथा है जायांग। ये जायांग जो है पुष्प का वास्तविक क्या है? मादा भाग है, ठीक है। ये फीमेल ऑर्गेनिक्स है और ये जो है क्या करता है? एक ओवरी का निर्माण करता है तथा पुमंग के साथ, आपके जो उमंग है उसके साथ मिलकर क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग लेता है, ठीक है। ये आपके पुष्प के भाग हुए। अहम पुष्प जो है, जो पुष्प में जो नए पुष्प या नए बीज का निर्माण होता है या फल का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? परागण के द्वारा होता है, पॉलिनेशन के द्वारा होता है। तो पहले हम देखेंगे परागण या पॉलिनेशन है क्या, ठीक है। परागण के जो परागकोष से मुक्त होकर उसी जात के पौधे के जायांग के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा में तक पहुँचने की क्रिया क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। यानी जब परागण जो पुष्प होता है उसका जो पुमंग होता है वह उसी जात के यानी अपने ही जात के खुद के पुष्प पौधे के पुष्प में गिरकर क्या करता है? जब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है और जो उससे जो क्रिया करता है उसे हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, यानी पॉलिनेशन कहलाते हैं। पॉलिनेशन के प्रकार देखते हैं। पॉलिनेशन 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन जिसे हम पर परागण के नाम से भी जानता है। जो स्वपरागण जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसमें जब एक पुष्प परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। जब क्या कहता है? जब एक पुष्प जो होता है उसके जो पराग हैं, ठीक है, वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा में या उसी पौधे के स्थित पुष्प होता है, जब उस पौधे पर स्थित अन्य पुष्प होता है उसके जब स्टिग्मा पर पहुंचता है उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है परपरागण, जिसमें जब एक पुष्प का परागण उसी जाति के दूसरे पौधे पर जो उसकी उसी जाति के यानी अगर कमल का फूल है तो ठीक है, कमल के फूल के ही दूसरे पौधे पर या आपका जो है
ठीक है, गेंदे का फूल है, उसी गेंदे के दूसरे पौधे पर स्थित फूल में जब वह उसके स्टिग्मा पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्रॉस परागण कहते हैं। ठीक है, जब अन्य अन्य पौधों में और अन्य अन्य पौधों के पुष्पों के जो परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं फल के बारे में। अभी हमने पुष्प के बारे में देखा, देखते हैं फल का है। जो फल का निर्माण होता है किससे होता है, ओवरी से होता है, और जो इसकी अंडाशय की विधि से, ठीक है, जो फल भित्ति होती है इसमें कितनी लेयर होती है, तीन स्तर होते हैं। सबसे बाहरी स्तर को क्या बोलते हैं, बाह्य फल भित्ति जिसे इपिकार्प भी कहते हैं, और जो मध्य फल भित्ति है उसे क्या बोलते हैं, मेजोकार्प बोलते हैं, और जो सबसे भीतरी स्तर होता है उसे क्या बोलते हैं, अंतः फल भित्ति या एंडोकार्प भी कहते हैं। ठीक है, जो फल का निर्माण किससे होता है, ओवरी से होता है। इसमें जो फल है इसमें तीन परतें पाई जाती हैं, बाह्य स्तर फल जिसे हम इपिकार्प कहते हैं, मध्य स्तर फल जिन्हें हम कहते हैं मेजोकार्प कहते हैं, और अंत में जो लास्ट तीसरी स्तर होता है उसे क्या बोलते हैं, अंतः फल भित्ति, इन्हें एंडोकार्प भी कहते हैं। ठीक है, और जो अभी हमने फल के बारे में देखा, अब देखते हैं फल के प्रकार, जो फल के कितने प्रकार, जो मुख्यतः फल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है सत्य फल जिन्हें हम ट्रू फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है असत्य फल जिन्हें हम फाल्स फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो ट्रू फ्रूट हैं इनमें क्या होता है, यदि फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है, यानी जो फल बनता है उसमें केवल क्या भाग ले, ओवरी भाग लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। जैसे आम, ठीक है, जो आम का फल बनता है उसमें कि कौन भाग लेता है, सिर्फ उसका ओवरी भाग लेता है। जबकि जो असत्य फल होता है उसमें क्या होता है, पौधे के अन्य भाग जैसे बाह्य दलपुंज पुंकेसर आदि सभी जो उसके भाग होते हैं, जब उसके निर्माण में भाग लेने लगते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, असत्य फल बोलते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, कुछ पौधों में फल निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन यानी जो बाह्य दलपुंज होता है, ठीक है, दलपुंज आदि भाग लेते हैं, ऐसे फल को क्या बोलते हैं, फाल्स फ्रूट कहते हैं। इनमें हम जैसे देखते हैं सेब, कटहल, नाशपाती, अनानास, अंजीर, आप इन्हें देखेंगे तो जो इनका पुष्पासन, इनका जो फल है वो उसमें पूरा पाया जाता है, इसमें बाह्य दलपुंज सभी जो इसके भाग हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट है संपूर्ण फलों को तीन भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, जो अभी हम देख रहे थे फल के प्रकार देख रहे थे, ठीक है, लेकिन हम फल को तीन भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, पहला है सरल फल यानी सिंपल फ्रूट। ठीक है, जब किसी पुष्प के अंडाशय यानी ओवरी से केवल एक ही फलता है, फल बनता है। ठीक है, जब किसी ओवरी से क्या होता है, जब किसी पुष्प के जो ओवरी है उससे केवल एक फल बने तो उसे क्या बोलते हैं, सरल फल, जैसे सेब, आम और नींबू। ठीक है, जो होते हैं इनके जो अंडाशय होता है इनसे सिर्फ एक ही फल बनता है। ठीक है, दूसरा है पुंज फल यानी एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं, इसमें शरीफा, रसभरी, स्ट्रॉबेरी, कमल, चंपा, मदार आदि आते हैं। इनमें क्या होता है, एग्रीगेट फ्रूट में क्या होता है, एक अंडाशय से कई सारे क्या बनते हैं, फल बनते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट यानी एक ही ओवरी में बहुत सारे फलों का बनना, उसके कई भागों में विभाजित होना, उन्हें हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। ठीक है, संग्रहित फल में आप क्या आते हैं, कंपोजिट फ्रूट में आते हैं, इसमें बहुत सारे ओवरी मिलकर जो है एक फ्रूट का निर्माण करते हैं, और उसमें क्या होता है, एक फल में बहुत सारे ओवरी पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे शहतूत, कटहल, बरगद, अंजीर आदि। ठीक है, इनमें क्या होता है, एक फल में बहुत सारे ओवरी यानी आपके जो बीजाणु या अंडाशय उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम देखते हैं सरल फल के प्रकार। जो हमारे सरल फल हैं उन्हें कई भागों में बांटा गया है। पहला है ड्रूप, ये क्वेश्चन आता है कि ड्रूप कौन कौन से फल आते हैं ड्रूप में, तो आम, बेर, नारियल, सुपारी की इसमें आते हैं, ड्रूप में आते हैं। दूसरा है बेरी, इसमें हम टमाटर, अमरूद, मिर्च, अंगूर को रखते हैं। तीसरा है पीपो में खीरा, ककड़ी, लौकी, तरबूज आते हैं। चौथा है पोम में सेब, नाशपाती आदि आते हैं। पाँचवा है स्पिरिडियम, इसमें संतरा, मौसमी और नींबू आते हैं। छठवां है बैलेस्टा में हम किसे रखते हैं, अनार को रखते हैं। ठीक है, ये आपके एसएससी में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि टमाटर कौन से प्रकार का फल है, इसमें देता है ड्रूप, बेरी, पीपो, पोम आदि देता। ठीक है, 2014 एसएससी में इसके दो क्वेश्चन आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अब हम पादप पोषण के बारे में देखेंगे। अभी हमने पुष्प और फल के बारे में देखा था, अब देखते हैं पादप पोषण। जो पादप पोषण होता है पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। पोषक ऐसा पदार्थ जिसे प्रत्येक जीवधारी अपने पर्यावरण से प्राप्त करता है और इसका उपयोग ऊर्जा के स्रोत अथवा शारीरिक घटकों के जैव संश्लेषण के लिए करता है, क्या कहलाता है, वो पोषण कहलाता है। ठीक है, तो पोषक किसे कहते हैं, जिसमें हम प्रत्येक जीवधारी जो होता पृथ्वी पर उसके जितने भी जीवधारी वो अपने कहाँ से प्राप्त करते हैं, पर्यावरण से प्राप्त करते हैं, और किसके लिए, अपने ऊर्जा के लिए और प्रोटीन का या शरीर के जो जैव संश्लेषण उनके उत्पादन के लिए करते हैं। ठीक है, तो भोज्य पदार्थ की प्राप्ति के आधार पर जीवधारियों को दो समूह में विभाजित किया जाएगा। ठीक है,
अगर हम भोज्य पदार्थ की प्राप्ति के आधार पर देखते हैं तो जो संपूर्ण जीव धारण को कितने प्रकार में बांटा गया है, दो प्रकार में। पहला है स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। इसमें क्या आते हैं, हरे पौधे, नील हरित शैवाल तथा कुछ जीवाणु आते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन, सभी जो हरे पौधे होते हैं, नील हरित शैवाल होते हैं, और जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, सभी नहीं लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं किसमें आते हैं, स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक जीव में आते हैं, ठीक है। दूसरा है परपोषी, परपोषी यानी हेटरोट्रॉफिक, इसमें कौन से आते हैं जीव, जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, यानी खुद अपना भोजन नहीं बनाते, दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इसमें हम क्या किसने रखते हैं, जिसमें जैसे सभी जंतु हैं, जीव जंतु हैं, और कवकों में क्या कहा जाता है, आपके परपोषी लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, जो पौधों के पोषण में विभिन्न तत्वों की भूमिका, ठीक है दोस्तों, हम आगे देखें पौधों के जो पोषण है उनमें कौन कौन से तत्व भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जो पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो कितने, 16, जिसमें आपके जो 10 होते हैं वो कैसे होते हैं, दीर्घमात्रिक तत्व होते हैं, और 6 कैसे होते हैं, लघुमात्रिक तत्व, यानी दीर्घमात्रिक तत्व जिनकी आवश्यकता अधिक से अधिक होती है, और जो 6 लघुमात्रिक इनकी आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। देख रहे हैं पहले, देख रहे हैं, पहला है दीर्घमात्रिक तत्व, यानी हम माइक्रो न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, इन तत्वों की आवश्यकता पौधों की कितनी अधिक मात्रा में होती है, इनमें कौन कौन से तत्व आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर तथा लोहा, ठीक है। ये कैसे आते हैं, दीर्घमात्रिक तत्व होते हैं, याद रखना है कि इनमें से, क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा दीर्घमात्रिक तत्व है, इनमें से 3 ऑप्शन आपके लघुमात्रिक तत्व के दे देंगे और एक ऑप्शन दीर्घमात्रिक तत्व का दे सकता है, ठीक है। तो आपके जो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर तथा लोहा, ये किसमें आते हैं, आपके दीर्घमात्रिक यानी माइक्रो न्यूट्रिशन में आते हैं। जो लघुमात्रिक तत्व हैं इन्हें पौधों की जो आवश्यकता होती है कितनी कम मात्रा में होती है, इसमें कौन कौन से आते हैं, जिंक, कॉपर, तांबा, मैग्नीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम तथा क्लोरीन, ये किसमें आते हैं, आपके लघुमात्रिक तत्व में आते हैं। इनकी आवश्यकता पौधों को बहुत ही कम मात्रा यानी आंशिक रूप में होती है, ठीक है। अगर लघुमात्रिक तत्व की अधिकता हो जाती है तो पौधों में रोग हो जाता है, अगर इनकी कमी भी हो जाती है तो रोग हो जाते हैं। अब हम देखेंगे जितने भी आपके दीर्घमात्रिक और लघुमात्रिक तत्व हैं इनकी आवश्यकता कैसी होती है पौधों में, ठीक है, इनका क्या उपयोग होता है पौधों में, ठीक है, और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। पहले देखते हैं क्रांतिक तत्व, देखते हैं एक और इसमें जोड़ा गया है, क्रांतिक तत्व, अधिकांश मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की कमी होती है। आपके जो दीर्घमात्रिक और लघुमात्रिक तत्व हैं उन्हीं में से 3 ऐसे तत्व हैं जिनकी आवश्यकता क्या है, मृदाओं से की जाती है, यानी मृदाओं से उनकी पूर्ति हो जाती है। आप इन्हें भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी उपयोग करते हैं, बाहर से आप इन्हें खाद के रूप में डालते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रांतिक तत्व कहते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को, ठीक है, इन्हें क्या बोलता है, क्रांतिक तत्व बोला जाता है। आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से क्रांतिक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है, तो ये आपके कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कैसे हैं, क्रांतिक तत्व हैं। हम देखते हैं विभिन्न तत्वों की भूमिका उनकी कमी से होने वाले रोग। पहला है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। जो आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनके सहयोग से पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाता है, ठीक है। जो अगर ये तत्व उपस्थित नहीं रहेंगे तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और क्या हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, यानी वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है ये तत्व पौधों में क्या करता है, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है, यानी उत्तरदायी होता है। इसी के कारण है, नाइट्रोजन के कारण ही पौधों में प्रोटीन का और न्यूक्लिक अम्ल का क्या होता है, संश्लेषण होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी से पौधे की क्या, वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा है उसे सल्फर, ठीक है। जो सल्फर है ये पौधे के प्रोटीन तथा जीव द्रव्य के निर्माण में, जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है उसके निर्माण में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से पौधों में पत्तियां जो होती कैसी हो जाती है, पीली हो जाती हैं तथा फल नहीं बनते हैं, ठीक है। तो सल्फर की कमी से क्या होता है, पौधों की पत्तियां पीली हो जाती तथा फल नहीं बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फास्फोरस। जो फास्फोरस है यह बीजों के निर्माण में एवं फसलों की परिपक्वता में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। जो फास्फोरस इसके क्या होता है, इसके द्वारा बीजों का निर्माण होता है और फसलों की परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा है पोटेशियम। जो पोटेशियम है ये पौधों की वृद्धि में सहायक होता है तथा इसकी कमी से क्या होता है, पत्तियों पर अंगमारी रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है, अंगमारी रोग होता है, याद रखना है कि आ जाता है कि पौधों में अंगमारी रोग किसकी कमी से होता है, पौधों में अंगमारी रोग किसकी कमी से होता है, पोटेशियम की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम। जो कैल्शियम है
ये कोशिका संरचना एवं कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जो कैल्शियम क्या करता है, सेल डिवीजन और सेल जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से पौधों में क्या होता है, बीज नहीं बनते। ठीक है, कैल्शियम की कमी से पौधों में बीज नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है यह प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, क्लोरोसिस यानी हरिमहीनता रोग होता है। ठीक है, यानी उसमें क्या हो जाता है, क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। जो मैग्नीशियम है ये आपके प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट चलते हैं, जो है आठवां नंबर है, आठवां है लोहा। जो लोहा ये पौधों में क्या करता है, पोषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसकी क्रिया में, पोषण है यहाँ पर। ठीक है, पोषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी कमी से भी क्या होता है, क्लोरोसिस यानी हरिमहीनता रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीज। जो मैग्नीज है ये क्लोरोफिल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा तत्व निभाता है, तो कौन सा है, मैग्नीज जो है ये क्लोरोफिल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसकी कमी से क्या होती है, पत्तियाँ जो होती है कैसी हो जाती हैं, भूरी हो जाती है। अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा पत्तियों में तो क्या हो जाएगा, उनका कलर चेंज हो जाएगा, वो कैसी हो जाएंगी, भूरी हो जाएंगी। और जो क्लोरोफिल बनता है वो किसकी उपस्थिति में बनता है, मैग्नीज की उपस्थिति में बनता है। नेक्स्ट है तांबा। जो तांबा है यह एंजाइम सक्रियता में उपयोग होता है। ठीक है, जो एंजाइम को सक्रियता उसकी कौन पूरा करता है, तांबा। कॉपर की सहायता से ही एंजाइम सक्रिय होते हैं और क्या होता है, इसकी कमी से भी क्लोरोसिस नामक रोग होता है, यानी हरिमहीनता रोग होता है। नेक्स्ट है जिंक। जो जिंक है यह प्रोटीन संश्लेषण एवं एंजाइम सक्रियता में भाग लेता है। ठीक है, जो जिंक है किसमें लेता है, प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइम सक्रियता में भाग लेता है। इसकी कमी से क्या होता है, पौधों की लंबाई की वृद्धि रुक जाती है। जो ठीक है, अगर जिंक नहीं होगा तो पौधे नहीं बढ़ेंगे और उनकी वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, बारहवां है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम है यह नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा काम किसमें करता है, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में काम करता है। और इसकी कमी से जो फूल गोभी है और पत्ता गोभी में क्या होता है, विप्टल रोग हो जाता है। क्या, कौन सा रोग होता है, विप्टल रोग होता है। क्वेश्चन आता है फूल गोभी या पत्ता गोभी में विप्टल रोग किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, मॉलिब्डेनम के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तेरहवां है आपका है बोरॉन। ठीक है, ये बोरॉन है ये कोशिका भित्ति के विकास एवं बीज में क्या होता है, वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, बोरॉन क्या करता है, जो आपकी सेल वॉल होती है उसके निर्माण में और जो बीज है उसकी वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। जो धान का खैरा रोग है वो किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। याद रखना है कि जो धान का खैरा रोग है वो किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। और मटर का जो मार्स रोग है वो किसकी कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नींबू का जो डाई बैक एवं लिटिल लीफ रोग है किसकी कमी से होता है, कॉपर की कमी से होता है। ठीक है, याद रखना है कॉपर की कमी से नींबू में कौन सा होता है, डाई बैक और लिटिल लीफ रोग होता है। ठीक है, जो आम का लिटिल लीफ रोग है किसकी कमी से होता है, जस्ता की कमी से होता है। याद रखना है नींबू का डाई बैक और लिटिल लीफ किसकी कमी से, कॉपर की कमी से, जबकि जो आम का लिटिल लीफ रोग है किसकी कमी से, जस्ता की कमी से होता है। और जो सेब में आंतरिक कारक रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, बोरॉन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, बोरॉन की कमी से सेब में आंतरिक कारक रोग हो जाता है। आप देखते हैं जो सेब है वो अंदर की तरफ से थोड़ा काला हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पादप पोषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप इसमें कमेंट और सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।